व्हाट इज प्रॉब्लम आईसी इन मोबाइल, फोन में ये आईसी की दिक्कत क्या होती है ना, फोन में आईसी की क्या दिक्कत होती है, इसके बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है कि फ़ोन में आईसी की दिक्कत होती क्या है ना। तो इस बारे में मैं आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं, मेरा नाम है अरविंद और हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है कि फ़ोन जो है काफ़ी सारे पार्टिकल्स से मिलकर रेडी होता है, जैसे कि हमारा डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया, हाउसिंग हो गया, फ्रेम हो गया एंड कीज़ वगैरह, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर एक फ़ोन रेडी होता है। उसमें से हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा होता है मदरबोर्ड, जिसमें सभी आईसीज प्लेस की गई होती है। ठीक है, तो ये जो आईसी की प्रॉब्लम है ये क्या होती है, इसी पर हम जो है आगे प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फ़ोन हमारा बंद हो तब हमारे फ़ोन में कौन सी आईसी ख़राब होगी और वो आईसी क्या रिपेयरेबल होगी, क्या वो आईसी मार्केट में मिलती है, क्या उस आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, रिप्लेस भी नहीं होती है। तो ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा फ़ोन जो है अभी डेड है ना, तो अगर आपके फ़ोन में किसी ने आईसी का प्रॉब्लम बताया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आईसी यहाँ लगी हुई है, एक आईसी यहाँ लगी हुई है। आईसी कंपनी नेम क्या है, क्वालकॉम, एंड इसका जो सीरियल नंबर है एंड इसका मॉडल नंबर भी है, ये PM7150L और नीचे वाली का PM7150। ठीक है, ये इनका मॉडल नंबर है, कंपनी क्या है, क्वालकॉम। ठीक है, एंड ये जो पूरा है यहाँ पर, ये है हमारा पावर सेक्शन। अब आपका फ़ोन अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे लगे हुए इतने सारे कंपोनेंट्स एंड फ़ोन में, फ़ोन के हर सेक्शन में ये सप्लाई यहीं से प्रोड्यूस करती है पावर आईसीज। जब आपका फ़ोन बंद होता है तो उसमें प्रॉब्लम दो ही होते हैं, एक पावर सेक्शन से रिलेटेड एंड सेकंड रहेगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो जो पावर सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है वो इस पावर आईसी से भी हो सकता है एंड इस आईसी से भी हो सकता है, या ये आईसी जो वोल्टेजेस आउट कर रही है, जो वोल्टेजेस आउट कर रही है उसके पैरेलल में जो लगे हुए कैपेसिटर्स हैं, क्वाइल्स हैं सीरीज में लगे हुए, या यहाँ पर एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है एंड कुछ डायोड भी हमको देखने को मिलेंगे, कुछ LDOs मिलते हैं, तो आईसी से निकलने वाले वोल्टेजेस में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग या लीकेज या सप्लाई ओपन हो जाए, तब हमारे फ़ोन में ऐसे फॉल्ट्स आते हैं कि फ़ोन डेड हो जाए। अब वो सप्लाई का फॉल्ट होता है, अब चाहे वो सप्लाई आईसी से शॉर्ट हो या किसी कंपोनेंट से शॉर्ट हो या फिजिकल डैमेज होने की वजह से शॉर्ट हो, तो ये चीज़ कभी फिक्स नहीं होती है कि फ़ोन में आईसी का ही फॉल्ट है। फ़ोन में आईसी का फॉल्ट है या कंपोनेंट का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है, ये चीज़ आपको बता सकता है एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन। फ़ोन को पूरा डायग्नोस करने के बाद ही ये पता चलता है कि फ़ोन में आईसी की दिक्कत है या किसी कंपोनेंट की दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसी चीज़ को लेकर चर्चा करते हैं कि जब फ़ोन में आईसी की दिक्कत होती है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी ये वाली पावर आईसी ख़राब है। ठीक है, 7150L अगर ख़राब है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यही सेम आईसी मार्केट में मिलती है, नहीं मिलती है, चेंज होती है, नहीं होती है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 7150L एक पावर आईसी है, ये एक सेकेंडरी पावर आईसी है एंड इस पावर आईसी को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। सेम जो पावर आईसीज होती है इजीली मार्केट में मिल जाती है या किसी जो ऑथोराइज डीलर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो भी हमको गूगल पर मिल जाती है, वेबसाइट वगैरह, वहाँ से हम डायरेक्ट सिर्फ जैसे ये आईसी हमको सर्च करना है तो क्वालकॉम PM7150L हम लिखेंगे गूगल पर एंड ये आईसी हमको वहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, क्वालकॉम 7150L पावर आईसी यहाँ पे हमने लिखा एंड बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट वगैरह हमको मिल जाएंगी, किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से आप ये परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो पावर आईसीज इजीली चेंज हो जाती है। अब इसी तरह से अगर ये वाली पावर आईसी ख़राब है तो इस पावर आईसी का यही सेम मॉडल नंबर, सेम प्रोसेस, यही चीज़ हम गूगल पे डालेंगे एंड ये आईसीज भी हमको वहाँ पर इजीली मिल जाएगी, इजीली आईसीज के रेट वगैरह सब आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सेक्शन। अब मान लीजिए आपके फ़ोन में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर है फ़ोन में ये नेटवर्क सेक्शन। ठीक है,
अब नेटवर्क सेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि फ़ोन में कोई एक सेपरेट आईसी नहीं होती है जो कि नेटवर्क के लिए ज़िम्मेदार होगी, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देखो, ये एक नेटवर्क सेक्शन है एंड इसमें कितनी सारी आईसीज लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, और एक ये लगी हुई है एसडीआर 660 जो कि एक आरएफआईसी है, ये जो कि ट्रांस रिसीविंग का यहाँ पे काम करती है। ये है हमारा 2GP है, ये लगा हुआ है 3G 4GP है, ठीक है। और भी कुछ छोटी छोटी आईसीज वगैरह यहाँ पे लगी हुई है एंड मिनी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सो अगर फ़ोन में नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस सेक्शन में लगे हुए इतने सारे कंपोनेंट्स एंड आईसीज कुछ भी ज़िम्मेदार हो सकता है। एंड इस चीज़ के बारे में आपको परफेक्ट अगर जानना है तो एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता है, जब आप अपने फ़ोन को लेकर के उसके शॉप पर जाओगे। अगर किसी भी छोटे मोटे दुकानदार के पास आप जाते हो फ़ोन लेकर के, तो वो आपको इसका डीपली नॉलेज नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये वाली आईसी आपकी एक ख़राब है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर है SDR 660। तो SDR 660 हमको मिलती है नहीं मिलती है मार्केट में, अभी देख लेते हैं, ठीक है। गूगल पर हम टाइप कर देते हैं SDR 660, ठीक है, एंड सर्च। तो यहाँ पर देख सकते हो SDR 660 नेटवर्क आईसी हमारे सामने आ गई है एंड इसके प्राइजेस भी सामने आ गए हैं। बाकी ये जो प्राइजेस हैं वो है होलसेल रेट के, अगर आईसीज आप क्वांटिटी में लेते हो तब आईसी आपको इतने की पड़ती है, ठीक है। बाकी ये सिंगल आईसीज के रेट यहाँ पे हैं आपको, जो कि 500 रुपये एंड कुछ 799 रुपये ऐसे इस आईसी के रेट हैं। होलसेल यानी कि आप क्वांटिटी में लेते हो आईसी, 50, 100, 200 आईसीज अगर लेते हो तो ये होलसेल रेट हैं, जो कि बड़े बड़े ऑथराइज डीलर्स हैं जो इस रेट में देते हैं 150, 200, 300 रुपये में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी साथ में हो गई है। तो गाइस, इस तरह से जो आईसीज की दिक्कत होती है इनको शॉर्ट आउट किया जाता है। अगर पावर सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है तो पावर आईसी का फॉल्ट रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि आपके फ़ोन में कोई एक पावर आईसी नहीं है, है ना। यहाँ पे आपको मैंने 2 पावर आईसीज दिखाई हैं, लेकिन और भी यहाँ पर आईसीज मिल जाती है। यहाँ पर देखो, ये आईसीज का इधर जो हमने अभी देखा है फ्रंट पिक्चर था आईसी का, एंड ये रहा इसका बॉटम पिक्चर। यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेसर सिस्टम है। तो अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है तो हमारा इस आईसी का प्रॉब्लम होता है, जिसमें हार्ड डिस्क का फंक्शन होता है, USK हाईनेस के इसमें लिखा हुआ है। तो ये चेंजेबल नहीं होती है, ये एक बहुत एडवांस लेवल की चीज़ हो जाती है अगर इसको चेंज कराया जाए थोड़ा सा। ये इलीगल मैटर भी होता है, तो इसलिए इसको ये कहेंगे कि ये चेंज होने के इसके चांसेस नहीं होते हैं। तो CPU EMMC दोनों चेंज नहीं होते हैं, इनका पेयरिंग आपस में होता है, क्योंकि एक की होता है जो CPU के पास होता है और EMMC उसी की वाले CPU के साथ पेयर करती है। तो हर CPU हर EMMC के साथ अलग अलग कीज होते हैं। तो ICs के जो फॉल्ट होते हैं कुछ इस तरह से ही होते हैं। और वाईफाई के लिए यहाँ पे एक छोटा सा IC लगा हुआ है, हॉटस्पॉट के लिए चार्जिंग IC यहाँ पे अलग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड लाइट IC, ग्राफिक्स IC, सारी IC जो है अलग अलग लगी होती है। कुछ IC, कुछ सेक्शंस जो होते हैं इन ICs के अंदर ही बने होते हैं, अगर जिससे फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स का कोई मसला है तो यहाँ पर ग्राफिक्स का सेक्शन जो है इसी किसी IC के अंदर होगा एक, ठीक है। तो इस तरह से ICs के फॉल्ट होते हैं एंड ICs का कौन सी IC ख़राब है ये कैसे पता करेंगे, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन ही बता सकता है, आपको माइंड में लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके फ़ोन में IC से रिलेटेड फॉल्ट है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन के पास जाइए और किसी अच्छे शॉप पर आप जाइए, जो आपको डीपली इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी देगा और आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो छोटे मोटे दुकानदार के चक्कर में मत रहिए। एंड मुझे अगर आप फ़ोन सेंड करना चाहते हो तो मुझे भी सेंड कर सकते हो, सेम ID इंस्टाग्राम पर है, वहाँ पर बायो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप इजीली फ़ोन सेंड कर सकते हो। फ़ोन रिपेयर होगा उसके बाद आपको फिर से जो है फ़ोन को इधर से सेंड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से किसी और फॉल्ट के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद।